आजाद नगर निवासी और शिक्षा जगत में शिक्षक की भूमिका में अपने आवास पर कोचिंग सेंटर संचालित करने का काम कर रहे राकेश रंजन चौधरी को समाज सेवी जितेंद्र कुमार के द्वारा शुभकामना दिया गया। साथ ही आदरणीय विजय कुमार झा और ओम प्रकाश शुक्ला को भी शुभकामनाएं एवं फूलों का बुके और सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद विद्यार्थी जो पिछले वर्ष 10th पास अच्छे नंबर से किए उनको आज मेडल देकर सम्मानित करने का काम किए। साथ ही फूलों का माला और सैनिटाइजर प्रदान कर विद्यार्थी के मनोबल को बढ़ाया। सम्मानित होने वाले में पूनम कुमारी, शाइका नूर, हाशमी, पलक कुमारी, इशिका मैजबी, मनीष कुमार, नमन कुमार, साथ ही गौतम कुमार क्लास 9 और सौम्या अभी 10वीं की टॉपर है को सम्मानित किया गया। सभी टैलेंट को निखारते हुए कहा कि सरकार की ओर से बच्चों को जो सुविधाएं प्रदान होंगी वो करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र कुमार, समाजसेवी सह वार्ड नंबर 17 पार्षद प्रत्याशी प्रवीण सिंह, राजकुमार श्रीवास्तव, बैजनाथ पंडित, प्रभात सिंह, मंजीत सिंह, मनोज पंडित, चुन्नू पंडित, राजकुमार सिंह, बैजनाथ पंडित, नीलम शर्मा, राखी शर्मा, चांदनी खातून, मोहम्मद बद्रुद्दीन इत्यादि लोग शामिल। कार्यक्रम तो एक सोच है। सोच क्या है? प्रत्येक मनुष्य के ये जीवन में होना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना है। आज शिक्षा को बढ़ावा देते हुए टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं। आज आजाद नगर वार्ड 17 के हमारे राकेश रंजन चौधरी सर के यहाँ हैं और मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि ये शिक्षा के मंदिर बना करके बच्चे और बच्चियों को शिक्षा निखारने का काम कर रहे हैं। साथ में विजय कुमार झा सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर को मैं धन्यवाद दूंगा कि इनके टीम के साथ जुड़ करके बच्चे को शिक्षा देकर के टैलेंटेड बनाने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों को सम्मानित किया? आज हमने 10 लोगों को सम्मान दिया है। पिछला 10th क्लास लास्ट ईयर में जो बेस्ट परफॉर्मर इन दिस इंस्टीट्यूट बोलिए वो उनको मैं अपने हाथों से सम्मानित करने का काम किया हूँ, मेडल से सम्मानित करने का काम किया हूँ, माला पहना कर उनके अभिवादन किया हूँ और सैनिटाइजर देने का काम किया हूँ। COVID-19 शिक्षक हमेशा समाज का मार्गदर्शन करते हैं लेकिन अकेली एक कड़ी बहुत प्रभावी साबित नहीं हो पाती है। अगर इस संबंध में जनप्रतिनिधि साथ रहते हैं, ऐसे समाज सेवी साथ रहते हैं तो इसको एक नया आयाम दिया जा सकता है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं जितेंद्र जी का, प्रवीण जी का, जिन्होंने कि अपना सोच इस दिशा में लगाया जहां के लोगों तक सोच पहुंच ही नहीं पाती है। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी का न्यू पीढ़ियों को क्या संदेश दीजिएगा? अभी कल के बच्चे को जो आजकल के आज जो नई पीढ़ी है, मैं उन्हें ये कहूँगा कि आपने ऐसी विषम परिस्थितियों को भी विगत 2 वर्षों में झेला है और देखा कि जो असली सोना है वो तप करके ही निखरता है। आप भी इस विषम परिस्थिति में तप करके निखरें और समाज को एक नए आयाम तक ले जाएं।